सुप्रीम कोर्ट क्यों अर्णब गोस्वामी को इतना फेवर करता है, कैसे अर्णब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं और अगले ही दिन उन्हें सुनवाई के लिए टाइम मिल जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस हैं जिनकी सुनवाई की डेट्स पे डेट्स दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट पर अर्णब गोस्वामी को फेवर करने का इल्जाम लगाया है एक सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने। उन्होंने इस बारे में एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत दुख की बात है कि अर्णब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं और उनकी याचिका तुरंत लिस्ट हो जाती है और उस पर सुनवाई भी हो जाती है। क्या इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश और रोस्टर के मास्टर के लिए कुछ विशेष आदेश या निर्देश दिए हुए हैं? ये लेटर सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को लिखा है दुष्यंत दवे ने और कहा है कि ये लेटर उस बेंच को पेश किया जाए जो बेंच अर्णब के केस पर और उनकी बेल पर आज सुनवाई कर रही है। दुष्यंत दवे ने यह भी कहा है कि मेरा अर्णब से कुछ पर्सनल लेना देना नहीं है, लेकिन पिछले 8 महीनों में कोविड के दौरान बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई है। काफी ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद है और उन्हें भी अर्णब की तरह अपनी बेल की हियरिंग की सुनवाई का ही इंतजार करना पड़ रहा है और उन्हें जो डेट दी जाती है वो महीनों और हफ्तों बाद आती है। और इसीलिए दुख होता है कि अर्णब गोस्वामी जब बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट तुरंत लिस्ट कर दी जाती है। क्या अर्णब गोस्वामी को कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब भी कोई रिक्वेस्ट होती है वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से लिस्ट होती है। जब सारा काम कंप्यूटर से ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है तो फिर इस तरह से सेलेक्टिव लिस्टिंग कौन कर रहा है? अर्णब के लिए भी सिस्टम वैसा क्यों नहीं रखा गया जैसा कि दूसरे लोगों के लिए रखा गया है? इनफैक्ट अपने इस पत्र में दुष्यंत दवे ने पी चिदंबरम का एग्जांपल देते हुए कहा उनके लिए भी हियरिंग की रिक्वेस्ट डाली हुई है और उसके लिए उन्हें जो कि एक मिनिस्टर रह चुके हैं उन्हें भी महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर इस चिट्ठी में मेंशन किया है कि विशेष पावर्स को यूज करके अर्णब की लिस्टिंग जो है इतनी अर्जेंटली करवाई गई है और सुप्रीम कोर्ट कुछ वकील है जो कि काफी सीनियर और पावरफुल है उनको प्रेफर करती है, उनके लिए काम जल्दी हो जाते हैं। तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट पर सवाल उठा दिया है सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने। आपको बता दें कि अर्णब ने कल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, आज उनकी अर्जी पर सुनवाई है। इसके अलावा मुंबई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने केवियट दायर की है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि बिना हमारी साइड सुने हुए या हमारा पक्ष सुने हुए कोई भी फैसला अर्णब की बेल पर नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है पहले अर्णब की साइड सुनी जाएगी, फिर महाराष्ट्र सरकार की साइड सुनी जाएगी। हियरिंग लंबी होने वाली है, आज फैसला आ जाएगा अर्णब की बेल पर इसकी कोई गारंटी नहीं।